हाय दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज आप लोग को 5 तारीख का 5 सितंबर का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल का जीआई टैग मिला? किस राज्य को चोकुआ चावल का जीआई टैग मिला? असम। ठीक है, असम को मिला। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के थरमन सन मूगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? ये भारतीय मूल के हैं, ये सिंगापुर के बने। किस देश के बने? सिंगापुर के। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में कहाँ पर 4 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? कौन सा वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ की जाएगी? अहमदाबाद, गुजरात में। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य को किसे मिला? हैदराबाद को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी, इसको हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी के महानिदेशक नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुआ? धीरेंद्र ओझा। कौन नियुक्त हुआ? धीरेंद्र ओझा। आप लोग को मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि सीबीसी जो है कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2017 हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 8 दिसंबर 2017 को। आगे चलते हैं। देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की? इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री ने भारत में कहाँ पर दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली? जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्टर, मतलब ये एक संस्था है, उसने 2023 में आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास का रेटिंग बताया, क्या बताया? A+ में। सीसीआई ने एयर इंडिया और किस कंपनी के विलय को मंजूरी प्रदान की? सीसीआई ने एयर इंडिया और किस कंपनी के विलय को मंजूरी प्रदान की? विस्तार। ठीक है, आगे लेते हैं क्वेश्चन। किस देश ने एक साल के भीतर 1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इस देश ने? भारत ने की। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई? हेल्थी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 7 मिनट दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार का टीका शुरू किया? कौन सा देश है जो दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका शुरू किया?
वो है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड है दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आजकल के जो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोग को ऐसे ही नए नए करंट अफेयर पूरे हर दिन दूंगा, और आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है,